मंच पर उपस्थित मेरे मित्र सुरेश प्रभु जी, आदरणीय सतीश जी, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, संजय गंजू, श्री आशीष सूद और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज उचित समय पर सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार निर्मिति की दृष्टि से उचित मार्गदर्शन आज के कार्यक्रम में आपको सभी वक्ताओं की ओर से मिलेगा। दुनिया में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिस जिस प्रकार की नई नई बातें आ रही हैं वो सब समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कुछ फायदा है, कुछ से कुछ नुकसान है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी भी इकोनॉमिक रिजल्ट जो मिले हैं प्लानिंग कमीशन में वो ठीक नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 से कम है, प्रतिदिन $2 से कम, यानी 90 रुपए से कम है। और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम ये 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। हम लोग 47 के बाद हमारे देश में समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद तीनों बातों की चर्चा हुई। पंडित नेहरू जी ने जो इकोनॉमिक मॉडल स्वीकार किया था वो रशिया का था, पर आज स्थिति यह है कि हमारे इस 63 साल के प्रवास के बाद गरीब गरीब हुआ है और धनवान धनवान हुआ है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी हालत बहुत खराब है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। गांवों की हालत बहुत ही खराब है। और एक समय गांधी जी कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान ग्रामीण भारत में है, पर आज स्थिति यह कि हमारा हिंदुस्तान ग्रामीण भारत से शहर की तरफ भाग रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे त्रस्त है। इन्फ्लेशन रेट 18% तक पहुंचा है। मुझे लगता है कि ये सब स्थितियां जो है इसमें स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की समस्या भी बहुत गंभीर है। और बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, उसके लिए जो सही उपाय चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। भुखमरी, गरीबी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी सीधा जुड़ा हुआ है। मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक बातों के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और इसलिए देश के सामने गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ साथ इतने बड़े युवाओं की यह संख्या ये क्या करेगी? कहीं नक्सलवाद, कहीं आतंकवाद और कोई गलत मार्ग पर जाकर युवाओं को उसकी तरफ आकर्षित होकर जाना पड़ रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का अगर उद्देश्य कोई है तो यह है कि हम लोग गरीबी के निर्मूलन कैसे करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैसे कराएंगे। और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर मिशन है तो हमको एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर ग्रामीण इलाके में बढ़ना होगा तो ग्रामीण इलाके में और कृषि क्षेत्र में परचेसिंग पावर बढ़ानी होगी। परचेसिंग पावर अगर बढ़ानी होगी तो वहां कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और कृषि क्षेत्र में उत्पादन ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। और ये बातें जब करेंगे तो ग्रामीण भाग में रोजगार की निर्मिति हो सकती है। और दूसरी ओर जो इंडस्ट्री है जिसके कारण हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार बातें बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में बिजली की कमी है। 55,000 से 60,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है। बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे, और उद्योग नहीं चलेंगे तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? जो हमारा पानी का क्षेत्र है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, एरीगेशन, डीप एरीगेशन, रिवर कनेक्टिविटी, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। गुजरात में नर्मदा का पानी 12-14 रिवर में गया। गुजरात सरकार ने स्कीम चलाई और ड्रिप का उपयोग किया तो उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% हुआ। मैं कुछ दिन पहले 8 महीने पहले कर्नाटक में गया था और मंत्रियों के साथ बैठकर मैंने बातचीत की तो मेरे ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1.8% है। थोड़ी मैंने नाराजगी जताई
मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को पूछा कि इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, कितने प्रोजेक्ट आउटगोइंग है, क्यों पूरे नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है। और मुझे इस बात का खुशी है कि 8 महीने में मैंने उनको कहा कि इसको सुधारना चाहिए, कैसा भी कर कुछ उपाय उनको सुझाए थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और कर्नाटक ये पहला राज्य देश में कि जिसने कृषि के लिए इंडिपेंडेंट बजट तैयार करने का निर्णय किया और इस पर ध्यान आकर्षित करके उसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। बजट में उन्होंने कहा कि हम किसानों को क्रॉप लोन केवल 1% ब्याज से देंगे, और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे, 18 लाख किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। 1 लाख हेक्टेयर जमीन जो वेस्टलैंड है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उस पर उन्होंने 10,000 रुपये पर एकड़ अनुदान देकर जट्रोफा, जिसमें हम से तेल से बायोडीजल तैयार करते, रतन जोत, मोह, साल, करंज, नॉन एडिबल ऑयल सीड जो वेस्टलैंड पर आती है, उससे अगर ऑयल तैयार होगा तो उससे बायोडीजल तैयार होगा, और उसका भी प्रोजेक्ट में मैंने बायोडीजल प्लांट का उद्घाटन भी किया। आखिर हम ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में रोजगार की निर्मिति कैसे करें? मैं रोजगार और नौकरियां, इसका संबंध अलग है, और यह सरकार की नीति अगर सही होगी तो हम निश्चित रूप से इस हमारे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और इंक्रीजिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इस हमारे मिशन की ओर जा सकते हैं। आवश्यकता है कि हमारे नीतियों में सही में संवेदनशीलता है क्या, विकास अभिमुख दृष्टिकोण है क्या, और जो समाज का शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम कोई नीतियां बना रहे क्या। मुझे लगता है कि बहुत सी बातें आत्म परीक्षण की है, यह कठिन है पर अशक्य नहीं है। वी कैन चेंज द सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। और इसमें और एक नई बात है जिसके लिए राजेश जी ने मुझे कहा, थोड़ा सा मैं अपना अनुभव आपको भी उसमें बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमको जो अच्छे संस्कार मिले हैं कि समाज के गरीब व्यक्ति के लिए हम काम करें, हम देश के लिए काम करें, हम गरीबी मिटाने के लिए काम करें, हम रोजगार की निर्मिति के लिए काम करें, हम देश में जो देश को भय, भूख और आतंक से मुक्त करें। एक तरफ सुरक्षा के विषय पर जब हम जागृत हैं, आतंकवाद से लड़ने की इच्छा रखकर उसमें हिम्मत से काम कर रहे हैं, दूसरी ओर आर्थिक उन्नति और विकास की हम योजना बनाएं। मैं एक 8 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर वामनराव पई करके एक विद्वान है, उनके भाषण सुनने के लिए गया था, और उनके भाषण में उन्होंने कहा कि तूस तुझा जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशो इकोनॉमिक लाइफ। मुझे बड़ा विचार अच्छा लगा, और फिर मैंने तय किया कि नहीं, इस पर हम काम करेंगे कि सरकार और भगवान, गॉड एंड गवर्नमेंट, ये तो है पर इसके अलावा तीसरी शक्ति का हाँ हमारे चित्र को बदलेंगे। और मुझे आज 8 साल के बाद हमने छोटे छोटे काम शुरू किए, जिस बाम्बू का उल्लेख किया, हमारा एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में ट्रस्ट है वेदा करके, उसकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हम कर रहे थे, 5,000 आदिवासियों को बाम्बू में ट्रेन करने का काम हमने किया। मैं नहीं करता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, पर मेरे साथ जो बाकी जुड़े लोग वो ज़्यादा परिश्रम करते हैं। फिर किसानों में ही काम करने का तय किया, और आपको बताते समय मुझे खुशी होती है कि हमारे 20,000 मेंबर है, 90 करोड़ की इक्विटी है, 1 लाख रुपए का मेरा शेयर है, और 500 करोड़ के एसेट आज हमारे पास है। हम लोग बायोमास से पावर जनरेट करते हैं, 3 शुगर फैक्ट्री हो गई, 1 शुगर फैक्ट्री 2 लाख लोगों का भला करती है। अब उसके साथ साथ जोड़कर हम काम पर डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन शुरू की पूर्ति के नाम से, फिर बायोडीजल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर, 5,000 टन बायो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, फिर बायो मिथेनाइजेशन से 2.5 मेगावाट का पावर तैयार करते हैं, और बायोमास और बायो मिथेन इससे हम लोग 36 मेगावाट पावर तैयार करके 16 करोड़ की बिजली मुंबई को हर महीने में देते हैं। अब धीरे धीरे हमको हार्वेस्टर मशीन लाए, ट्रक्स मिलने वाले, तो अभी मैंने कहा कि हमको 1,000 ट्रक चाहिए, तो हमने हमारे कार्यकर्ता और युवा के नाम निकाले और कहा कि एक एक को एक एक ट्रक दे दो और उनको 8 महीने काम की गारंटी दे दो ताकि वो काम करें। फिर सोलर में काम शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा कि सोलर एनर्जी का आज इतना लोड शेडिंग है। पहले हमने तय किया कि बेचारे विद्यार्थी परीक्षा के समय एग्जाम में अध्ययन नहीं कर सकते कि कोई लाइट नहीं, 16 घंटे लाइट है, तो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को मैंने कहा कि आप इसमें कोशिश करो, तो 3 वैट के एलईडी बल्ब, 4 बल्ब, 1 सोलर पैनल और 1 बैटरी, ऐसा सेट तैयार हुआ, एक थैली में रखा गया,
उसकी कीमत बाजार में 16,000 रुपए थी। मैंने कहा कितने में बना है? तो 7,000 रुपये। 7,000 200 कीमत है।